गुड मॉर्निंग एवरी वन पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में हम लोग देखे थे कि बंटवारा कैसे होता है प्रॉफिट को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या देखा था कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट बराबर होता है रेशियो ऑफ कैपिटल इनटू टाइम तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट बराबर रेशियो ऑफ कैपिटल इनटू टाइम तो ये प्रॉफिट का रेशियो होगा अब ध्यान दो यानी कैपिटल मतलब पूंजी किसी भी व्यवसाय में व्यापार में हम पूंजी लगाते हैं तब प्रॉफिट मिलता है अगर पूंजी नहीं लगाते तो हम वहाँ के सैलरीड पर्सन होते हैं स्टाफ हो जाते हैं तो पार्टनर कब होगा जब वो ज्यादा पैसा लगाए या कम लगाए कुछ भी तो लगाए तो जब वो पैसा लगाया तो वो क्या कहलाएगा पार्टनर तो रेशो ऑफ प्रॉफिट रेशो ऑफ कैपिटल इनटू टाइम तो ये तीन टर्म होता है प्रॉफिट माने लाभ कैपिटल मतलब पूंजी और यानी ये हो गया आपका लाभ और ये हो गया आपका पूंजी और ये हो गया समय कई बार क्वेश्चन में पूंजी पूछेगा यानी पूंजी का रेशियो पूछेगा कैपिटल का रेशियो क्या होगा तो बताओ समय इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा कई बार समय का पूछेगा तो कैपिटल यहाँ डिवाइड में हो जाएगा यानी रेशियो ऑफ कैपिटल यानी पूंजी बराबर रेशियो ऑफ प्रॉफिट बाई रेशियो ऑफ टाइम कैपिटल बराबर क्या होगा प्रॉफिट बाई टाइम और प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम ऐसे ही टाइम का रेशियो क्या होता रेशियो ऑफ टाइम बराबर रेशियो ऑफ प्रॉफिट बाय रेशियो ऑफ कैपिटल सिंपल तीन ही चीज है कौन कौन प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम हम लोग को यहीं पे ध्यान रखना प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम कैपिटल पूछे तो प्रॉफिट बाय समय टाइम पूछे यानी समय पूछे तो प्रॉफिट बाई एक पैर और होगा ना ये तो खत्म होला आगे क्वेश्चन है सुरेश इन्वेस्टेड थाउजेंड इन अब और दिनेश ज्वाइन हिम आफ्टर फोर मंथ बाय इन्वेस्टिंग रुपीज सेवन थाउजेंड नेट प्रॉफिट आफ्टर वन ईयर कितना है तेरह हजार तीन सौ por Suresh Kaseer तो क्या कर रहा है सुरेश इन्वेस्टेड सुरेश ने कितना पैसा लगाया बारह हजार और दिनेश कितना लगाया लेकिन ये पैसा चार महीने के लिए आफ्टर चार मंथ है चार महीने बाद सात हजार लेकर कौन आ गया दिनेश ये आया चार महीने बाद है ना दिनेश चार महीने बाद और एक वर्ष के बाद लाभ इतना है तो इसका अर्थ है ये स्टार्ट किया था ये तो बारह मंथ रहा ही और ये चार महीने बाद आया मतलब आठ महीने रहा अब ये तीन जीरो तीन जीरो चार दुना आठ चार तिया बारह दो से ये छ अठारह और सात का रेशियो सुरेश का हिस्सा पूछ रहा है सुरेश है अठारह बटा देखो जिसका निकालना है वो तो लेंगे डिवाइडेड बाई नीचे टोटल लिखेंगे तो टोटल अठारह और सात पच्चीस और कितना को बांटना है तेरह हज़ार तीन सौ को कटेगा पच्चीस सौ का सौ बहत्तर तीन दुना छः कितना रहा नाइन फाइव सेवन सिक्स का बना है जो जितना पैसा लगाया उसके सामने लिख दो सुरेश का बारह हजार थे बारह हजार लिख दिए दिनेश का सात हजार सात देखो दो ही चीज ढूंढना है कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया तो ये पैसा लगाया बारह हजार और ये सात हजार आगे क्या कह रहा है कि दिनेश चार महीने बाद आया था और एक वर्ष में कितना महीना होता है बारह तो चार महीने बाद यानी दिनेश का पैसा कितना महीना रहा आठ महीना और इसका पैसा बारह सॉल्व किया अठारह सात अठारह बटा इसका पूछ रहा है सुरेश का अठारह बटा पच्चीस कोई प्रॉब्लम अगला क्वेश्चन ए बिगेन अ बिजनेस विथ रुपीज थ्री हंड्रेड ए ने 300 के साथ एक व्यापार शुरू किया बाद में बी 150 रुपए के साथ शामिल हो गया दो ही आदमी है पहला कौन है ए अगला कौन है बी। कितना लेकर स्टार्ट किया 300। और बाद में बी आया सब ध्यान से देखना ये 150 लेकर वर्ष के अंत में यानी का ये पैसा बारह महीना और ये बाद में चुकी आया है तो ये कितना महीना रहा ये मालूम नहीं है तो फिर कह रहा है वर्ष के अंत में लाभ तीन और एक के अनुपात में बांटा गया तो ये जो प्रॉफिट आया ये तीन और एक तो कह रहा बी कब शामिल हुआ तो हम लोग को ये लेना होगा यहां पे इंटू एक्स ले ले यानी बी एक्स मंथ तक तक व्यवसाय में था बी कितने दिन तक था एक्स मंथ तक और थ्री बाई वन तीन से ये चार एक सौ पचास सेक्स बराबर यहाँ अच्छा चलो यहीं काटेंगे तीन सौ गुना चार एक सौ पचास से ये कितने बार में दो एक्स बराबर आठ देखो तो यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्स बराबर आठ में टिक लगाएं कि चार में तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे बी कब शामिल हुआ ये बतलाता है कि बी एक्स मंथ तक था कितने महीने तक था एक्स महीने तक ये टाइम व्यवसाय में आप कितने मंथ हो वो बतला रहा है तो आप बिजनेस में एक्स मंथ हो यानी आठ महीना हो तो आप कब ज्वाइन किए चार महीने बाद तो ये बी आठ मंथ बिजनेस में था तो कब ज्वाइन किया बारह माइनस आठ चार मंथ बाद ज्वाइन किया दोनों चीज लिखना एग्जाम में कई बार ऊपर वाला पूछता है कई बार कहेगा कि बी कितना महीना बिजनेस में था ध्यान देना तो आंसर आएगा आठ मंथ बिजनेस में था और अगर पूछा कितने माह बाद आया तो आंसर क्या होगा चार महीने बाद आया दोनों लाइन समझ में आ रहा है कितना दिन बिजनेस में था तो एक्स मंथ मतलब आठ मंथ कब ज्वाइन किया तो हम लोग यहाँ पे आंसर हम लोग का गलत हो जाता है नहीं सोच पाते हैं इसलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें अच्छा नोट करते जाओगे या फोटो खींचते जाओगे मोबाइल फोन है तो फोटो खींच लो जब लगे कि नोट करने में समय ज्यादा लग रहा है हालांकि क्वेश्चन तो आपके पास है क्वेश्चन आप ही के बुक का यहाँ पे है तो क्वेश्चन है आंसर नोट भी करना तो आंसर नोट करोगे या सीधा फोटो खींच लो अब क्लास में ऐसे लगा कि क्यों बैठी हुई है तो ए सी चला लो वहां से ऑन कर दो चलिए अगला क्वेश्चन ये है सब लोग अच्छे से देखो ए और बी पांच और सात के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं रेशियो कितना कितना है पाँच और सात छ महीने के अंत में ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है ऐसे लिख दे ए ए का कितना है पाँच बी का कितना है सात छ महीने के अंत में मतलब ए का ये पैसा कितने मंथ छ बी की पूंजी का उपयोग कितने समय तक किया गया यानी एक्स समय तक यानी यहाँ पे हमको केवल एक्स का मान बताना है और ये रेशियो कितना है ए बटा एक का पैसा पांच था बी का कितना है सात एक जो है क्या कर रहा है छह महीने के अंत में अपनी पूंजी वापस ले लेता है मतलब ये छह ही मंथ तक बिजनेस में था और बी कितने मंथ रहा एक्स मंथ सॉल्व करो छवन और, और सेवन एक्स बराबर यानी बी कितने समय तक बिजनेस में था पांच मंथ पांच मंथ तक यानी आंसर कौन सा ए क्लियर है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन ए और बी बारह हजार और सोलह हजार का निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करता है आठ महीने बाद अच्छे से लैंग्वेज को समझो ए कितना पैसा लगाया बारह हजार बी कितना और आठ महीने बाद सी कितना लेकर आ गया पंद्रह हजार तो एक साल बाद एक साल में कितना मंथ बारह मंथ तो ऐसे लिखे ए का बारह हजार बी का सोलह हजार और आठ माह बाद सी पंद्रह हजार लेकर आ गया एक साल के बाद इतना में से सी का हिस्सा क्या होगा अच्छे से देखो एक साल यानी ये बारह मंथ ये भी बारह मंथ और ये चार मंथ हम लोग को दोनों चीज देखना है इन्वेस्टमेंट और टाइम ठीक है अब क्या करेंगे ये तीन जीरो तीन जीरो तीन जीरो तो हट गया बारह गुना बारह एक सौ सो, चौवालिस सोलह गुना बारह एक सौ बिरानवे पंद्रह चौका साठ फिर कटेगा कितना बारह से बारह ये सोलह और ये पांच जो कट जाएगा तो सबको काट दिया बारह से कटेगा क्वेश्चन क्या करा सी का शेयर तो सी का देखो जिसका भी शेयर निकालना है उसका रेशियो का मान देखो कितना है पांच है और ये पांच बट्टा टोटल लिखते हैं क्या लिखते हैं स पाँच बेटा तैतीस इंटू छियासठ हजार पैंतीस से दो बार में दो पचे दस हज़ार हो गया ऑप्शन बी नोट कर लिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अगला ये है मोहित शाश्वत और अभिषेक एक दो तीन के अनुपात में पूंजी निवेश किया एम फॉर मोहित एस फॉर शाश्वत ए फॉर अभिषेक एक दो तीन टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट समय का भी ये क्या था यह कैपिटल था और टाइम भी दिया हुआ है कितना है ये भी है एक दो तीन हम लोग क्या जानते हैं तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा तो प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम यानी वन इंटू वन टू इंटू टू थ्री इंटू थ्री यानी आंसर वन फोर नाइन यानी ऑप्शन बी दोनों का रेशियो है तो केवल मल्टीप्लाई कर दो तो ये सब तो पढ़ने के साथ जवाब दे सकते थे वन वन जा वन टू टू जा फोर थ्री थ्री जा नाइन नोट करते जाओगे अच्छा स्कैन सोच रहे हो नोट करते चलो स्कैन नहीं हुआ तो बड़ा फाइल है चैप्टर का क्वेश्चन है इसमें हाँ स्कैन हो गया तो जिनके पास बुक नहीं है वो आराम से बना के ला सकते हैं सारा क्वेश्चन मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो पूंजी का निवेश मालूम है चार अवधि के अंत में उन्हें दो तीन देखो प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं प्रॉफिट बाय कैपिटल और करा वो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए बराबर टाइम और प्रॉफिट कितना है दो तीन पाँच और कैपिटल का टाइम क्या है मतलब रेशियो चार छ नौ फ्रैक्शन में जब आ जाए तो डिनोमिनेटर के एलसीएम से गुना किया जाता है चार छः नौ का एलसीएम छत्तीस चार से कटेगा नौ बार में नौ दुना अठारह छः से छः तिया अठारह नौ से चार पचे बीस फिर कटेगा नौ नौ दस नाइन नाइन टेन Option C. अगला क्वेश्चन ये है राम और श्याम छः और सात के अनुपात में पूंजी का योगदान करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं पांच महीने बाद मतलब दो ही आदमी है तो ऐसे दो आदमी है तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं तो राम और श्याम राम का कितना है श्याम का सात पांच महीने बाद राम पूंजी वापस ले लिया अंततः वे पाँच सात के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो ज्ञात कीजिए श्याम कितने महीने के लिए या कितने समय के लिए बिजनेस में था यह है कितना पाँच और पाँच और पाँच सात और सात एक्स बराबर सिक्स मंथ जिसको समझ में नहीं आता हो हाथ उठाएंगे पूछेंगे सबों को क्लियर है सात नंबर मतलब सत्रह नंबर ए ने पांच सौ पचास के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी तीन सौ तीस के साथ दो ही पर्सन है तो ऐसे लिख ले ए और बी ए का कितना फाइव फाइव जीरो और बी का थ्री थ्री जीरो यदि वर्ष के अंत में महीनों के लाभ को दस और तीन के रेशियो में बांटते हैं और ए ने 550 के साथ व्यवसाय शुरू किया बी 303 के साथ उसमें शामिल हो यानी कुछ समय बाद तो एक का पैसा ये 12 तो बी का एक्स अब ये पूछ रहा है बी व्यापार में कब शामिल हुआ ये एक्स क्या होता है एक्स मन तक था तो बारह में से जो एक्स घटाएंगे वो आंसर पूछ रहा है ग्यारह से ये तीन ग्यारह से ये पांच तीन और तीन कैंसिल दस एक साठ एक्स बराबर छह तो, तो बारह में से छः भी घटाओगे तो भी आंसर सिक्स ही आएगा यानी आंसर बी क्लियर? अगला क्वेश्चन किसी को दिक्कत है यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन 18 अठारह